ऑलराइट सुगैजर, मैं वापस आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर। सुगैजर, जैसा कि आप सभी को पता है कि टिकटॉक जो है वो अब इंडिया में बैन हो चुका है, साथ ही साथ टोटल यहाँ पे 59 ऐप्स है जिसको गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर बैन कर दिया है, जी हाँ, परमानेंटली बैन कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टिकटॉक प्रो एप्लीकेशन के बारे में, जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, आग की तरह वायरल हो रहा है। लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या यह टिकटॉक प्रो एप्लीकेशन आप लोगों के लिए सही है, क्या है इसकी अच्छाई और बुराई, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अपने भाई का नाम जान लो, मेरा आसिफ, और आप देख रहे हैं नेट मैकेनिक्स यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि टिकटॉक के साथ साथ यहां पे टोटल 59 ऐप्स को जैसे इंडिया में बैन हुआ, तो यहां पे जैसा कि आप सभी को पता है कि टिकटॉक का इंडिया में जो बहुत ही ज्यादा क्रेज है, लोग यहां पे दीवानों की तरह टिकटॉक यूज करते हैं। तो जैसे ही बैन हुआ तो लोग यहां पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होने लगे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे, तो कोई अलग अलग एप्लीकेशन जो कि टिकटॉक की ही क्लोन है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पे बीच में निकल के आता है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है टिकटॉक प्रो, जो कि हूबहू टिकटॉक के ही जैसा है, बस उसमें प्रो लग गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये चीजें कहां से निकल के आई। तो यहां पर एक आपको एसएमएस दिखेगा मैसेज में, जी हां, मैसेज फॉर्मेट में, जो कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखता होगा। बेसिकली इसमें यही बोल रहा है कि आप इसको यहां से डाउनलोड करो, इस लिंक पे क्लिक करके। ये टिकटॉक प्रो एप्लीकेशन है, आप इसके ऊपर वीडियोस बना सकते हो। साथ ही साथ इसके स्क्रीनशॉट भी यहां पर दिखाए गए हैं टिकटॉक प्रो एप्लीकेशन के, जो कि हूबहू एकदम टिकटॉक के ही जैसे दिखता है, एकदम प्रोफेशनल टाइप आपको दिखेगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, अगर आपको वो मैसेज के फॉर्म में आता है या फिर आपका कोई फ्रेंड आपको फॉरवर्ड करता है, तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल का जितना भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो सारा जो है वो हैकर के पास चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो लिंक अभी वायरल हो रहा है टिकटॉक प्रो एप्लीकेशन नाम से, तो ये एक फिशिंग लिंक है। जी हाँ दोस्तों, फिशिंग लिंक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपका सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो वो यहाँ पर खतरे में आ जाएगा, लाइक आपका बैंक डिटेल्स, आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपने रखा हुआ है वो सारा जो है वो हैक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आप लोगों को इसीलिए बनाया क्योंकि ये सारा चीज अभी सोशल मीडिया पे आग की तरह वायरल हो रहा है और लोग पागलों की तरह जो वो इस लिंक पे क्लिक करते होंगे, तो मेरा दोस्तों ये फर्ज बनता है कि आपको सही इंफॉर्मेशन जो वो सही टाइम पर आकर दी जाए, ताकि आप लोग जो वो कोई भी गलती ना करो। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि यहां पे टिकटॉक प्रो जैसा कोई भी जो है वो ऐप यहां पर नहीं है, वो एक फिशिंग लिंक है जो कि शेयर हो रहा है टिकटॉक प्रो नाम से। जैसे क्लिक करोगे, सारा डेटा, सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपका खतरे में आ जाएगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसा कोई लिंक आता है, ना ही आप उसको फॉरवर्ड करो, ना ही उसके ऊपर क्लिक करो, क्योंकि लोग अभी यहां पर जो है वो, जैसा कि आप सभी को पता है कि टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत सारे लोग दुखी है और सोच रहे हैं कि कैसे ही टिकटॉक जैसा मेरे को प्लेटफॉर्म मिल जाए उसके ऊपर हम चले जाएंगे। तो इसी में जो है वो हैकर्स लोग जो है वो लोगों के इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं कि लोग तो अभी इमोशनली है ही, तो चलो यार बल्क मैसेज खरीद लेते हैं और स्पाई करते हैं और यहां पर फिशिंग करते हैं। तो भैया हैकर तो भैया तुम हो, तो हम भी तुमसे बड़े हैं, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं बने हैं यहां पे। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप इस तरीके के कोई भी लिंक पे मत क्लिक करें। साथ ही साथ अब यहां पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है टिकटॉक बैन यूएस की तरफ से। तो अब दोस्तों, यहां पे यूएस में भी टिकटॉक को बैन करने की बात चल रही है। जी हां, इसमें भी दोस्तों रीजन यही है कि यहां पे डेटा का जो इशू है, यहां पर डेटा प्राइवेसी का इशू है, उसमें भी वहां पर भी वही है दोस्तों। वहां पर जो वो टिकटॉक कोई भी जो वो जवाब दे ही नहीं पा रहा है दोस्तों यूएस गवर्नमेंट को। यूएस गवर्नमेंट ने जो लास्ट में ये फैसला लिया है कि इसको हम बैन करेंगे यहां। जी हां, यूएस के अंदर भी टिकटॉक आपको जल्दी बैन हो जाएगा। एनीवेज, यहां पे इंडिया में तो जो है वो लोग जो भी इसके जो है वो कंसर्न है वो लगे हुए हैं दिन रात एक करे में टिकटॉक को वापस लाने के लिए। खैर, देखते हैं टिकटॉक वापस आता है या नहीं आता है। बाय द वे, आप क्या सोचते हो कि टिकटॉक को फ्यूचर में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें कोई टिकटॉक से रिलेटेड, जैसे ही टिकटॉक था वैसा ही कोई एप्लीकेशन सजेस्ट करो जो कि हमारे लिए अच्छा हो, जिस पर हम वीडियोस बनाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं, कमेंट करते हैं। तो अगर आपको जानना है कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप मेरे को कमेंट बस कर देना कि आप देखना चाहते हो वीडियो या नहीं देखना चाहते हो। सो गाइस, बस आज के इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मैं आपसे मिलता हूं किसी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।